एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्लेसमेंट वाला। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल प्लेसमेंट वाला पर। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी जो कि है TCS की तरफ से। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सारी जॉब अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो आइए बढ़ते हैं हम हमारे वीडियो की तरफ। तो आज की जॉब अपॉर्चुनिटी है TCS की तरफ से। TCS यहाँ पर हायर कर रही है 2023 ईयर ऑफ पासिंग स्टूडेंट्स को। ये फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी। रजिस्ट्रेशन स्टेटस यहाँ पर अभी ओपन है। रजिस्ट्रेशन की जो एंड डेट है वो है 22 जुलाई 2022। टेस्ट डेट है 15 अगस्त 2022 से टेस्ट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे और इंटरव्यू की डेट यहाँ पे अभी अनाउंस नहीं करी है। टू बी अनाउंस पोस्ट टेस्ट रिजल्ट। जब रिटन टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में इंटरव्यू की जो डेट है वो अनाउंस होगी। तो आइए बढ़ते हैं हम TCS के तरफ। यहाँ पे हम यहाँ पे पूरी प्रोसेस डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है इसकी। तो सबसे जो फर्स्ट स्टेप है तो उसमें हमको लॉग ऑन टू द TCS नेक्स्ट स्टेप पोर्टल हियर। आपको TCS नेक्स्ट स्टेप के पोर्टल पर जाना है। फिर उसके बाद में आपको रजिस्टर और अप्लाई करना है ड्राइव के लिए। फिर सिनेरियो ए, इफ यू आर रजिस्टर्ड यूजर काइंडली लॉग इन एंड प्रोसीड टू कम्प्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर यूजर है तो आपको डायरेक्टली ही एप्लीकेशन फॉर्म को कम्प्लीट करना रहेगा और सबमिट करके आपको अप्लाई फॉर ड्राइव के बटन को क्लिक करना रहेगा। अब सिनेरियो बी की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप न्यू यूजर हैं तो आपको फिर क्लिक करना रहेगा रजिस्टर नाउ पे। फिर यू हैव टू चूज कैटेगरी एज IT। फिर उसके बाद में आपको प्रोसीड करना पड़ेगा, बाकी सारी डिटेल्स फिल करनी रहेगी। फिर उसके बाद में आपको सबमिट करना रहेगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद में आपको क्लिक करना है अप्लाई फॉर ड्राइव। अब हम स्टेप 3 पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना रहेगा टेस्ट का मोड, इन सेंटर और रिमोट। क्या आपको घर से देना चाहते हैं या आप स्पेसिफिक TCS के सेंटर पे जाकर टेस्ट देना चाहते हैं। और उसके बाद में आपको क्लिक करना रहेगा अप्लाई पर। प्लीज नोट, नो फर्दर चेंजेस वुड बी परमिटेड वंस द अबाउट सिलेक्शन इज डन। जब आप यहाँ पे इन सेंटर या रिमोट कोई सा भी एक चूज कर लेते हैं और उसको आप फिर से आप चेंज नहीं कर सकते हैं, वो तो हमेशा आपका इन सेंटर ही रहेगा। और अगर आप रिमोट चूज करते हैं तो आपका रिमोट ही रहेगा आगे भी। फिर उसके बाद में स्टेप 4 की तरफ बढ़ते हैं। टू कंफर्म योर स्टेटस चेक ट्रैक योर एप्लीकेशन। अगर आपको आपका स्टेटस कंफर्म करना है तो आपको ट्रैक योर एप्लीकेशन यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा। द स्टेटस शुड रिफ्लेक्ट एस अप्लाइड फॉर ड्राइव। वो जो स्टेटस यहाँ पे जो होगा ट्रैक योर एप्लीकेशन में वो अप्लाइड फॉर ड्राइव शो होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नोट दिया है। तो इसमें फर्स्ट है, यू मस्ट हैव ऑल योर ओरिजिनल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स टिल डेट। यानी कि आपकी जो मार्कशीट है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल होने चाहिए। फिर सेकेंड है, कम्युनिकेशन रिलेटेड टू टेस्ट विल बी इन्फॉर्म टू यू बाय द टेस्ट पार्टनर TCSIN. TCS डज नॉट सेंड जॉब ऑफर एनी हायरिंग रिलेटेड कम्युनिकेशन फ्रॉम अनऑफिशियल ईमेल ID लाइक Gmail, Yahoo, Mail, Hotmail, etc. TCS does not ask candidate to deposit any money for job offer. TCS is not associated with external agency, company to conduct any interviews or make offers of employment on its behalf. तो इम्पोर्टेंट नोट आप सब पढ़ सकते हैं। फिर हेल्प डेस्क यहाँ पे अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट है या आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इस ईमेल आईडी पे support@tcs.com पे आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। या फिर इनका एक ये फ्री हेल्पलाइन नंबर भी है, आप यहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बढ़ते हैं। तो जो परसेंटेज के बारे में इन्होंने बताया है, स्टूडेंट शुड हैव मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स इंक्लूडिंग ऑल सब्जेक्ट इन ऑल द सेमेस्टर ऑफ 60% ही आपका 6 CGPA होना चाहिए। 10th, 12th और डिप्लोमा या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो सब में आपका किसी में भी 6 CGPA से कम नहीं होना चाहिए। अब हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, TCS NQT इज एक्सक्लूसिवली ओपन फॉर द स्टूडेंट्स ग्रेजुएटिंग इन द ईयर ऑफ 2023। ये स्पेसिफिक हायरिंग है 2023 बैच के लिए ही। विद द फॉलोइंग एकेडमिक डिग्रीज, यहाँ पे BTech एलिजिबल है, BE एलिजिबल है, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी MTech एलिजिबल है, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग ME, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि MCA, मास्टर ऑफ साइंस MSc, MS इन एनी स्पेशलाइजेशन ऑफर्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज। फिर बैकलॉग्स
एटिकेटी का सीन क्या है? द स्टूडेंट शुड नॉट हैव मोर देन वन पेंडिंग और एक्टिव बैकलॉग एटिकेटी एट द टाइम ऑफ अपियरिंग फॉर द टीसीए सिलेक्शन प्रोसेस. इफ सिलेक्टेड नो पेंडिंग बैकलॉग will be permitted at the time of joining TCS. यानी कि आपको अगर जब आप TCS join करेंगे उस time पे आपकी एक भी ATKT नहीं होना चाहिए. All pending backlog ATKT should be cleared within the course duration stipulated by the company. Big gap break in education. फिर it is mandatory to declare gaps in education if any. अगर आपने कोई भी gap लिया है या break लिया है education में तो आपको inform करना पड़ेगा. Overall academic gap should not exceed 24 months, yani ki 2 years, until the highest education. Relevant documentation as applicable will be checked for gaps in education. Phir course type, full time jo courses hai wo yahan pe eligible rahenge. Work experience, students with prior work experience up to 2 years are eligible to apply. Phir age, student should be between 18 to 28 years to participate in this hiring event. फिर उसके बाद में हम बढ़ते हैं टेस्ट पैटर्न की तरफ. तो सबसे पहले TCS NQT will be integrated test consisting, यहाँ पे दो सेक्शन होंगे फाउंडेशन और एडवांस. ऑल कैंडिडेट will be required to appear for both the section for the TCS NQT in order to be eligible for the interviews. दोनों सेक्शन के लिए आपको जाना रहेगा. बेस्ड ऑन द टेस्ट परफॉर्मेंस कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड. या तो वो डिजिटल प्रोफाइल के लिए आपको सिलेक्ट करेंगे नहीं तो वो निंजा के लिए आपको सिलेक्ट कर लेंगे. TCS NQT for this year can be taken in center or remote. Please note, no further changes would be permitted once the above selection is done. ठीक है, फिर हम test pattern की तरफ बढ़ते हैं. Traits, duration in minutes, one, numerical ability रहेगा, verbal ability रहेगा, reasoning ability. Numerical ability 25 minutes की होगी, verbal ability 25 minutes और reasoning ability भी 25. ये pattern follow होगा Ninja. अगर आप ये clear कर लेते हैं तो आप Ninja के लिए applicable हैं. आगे इंटरव्यूज के लिए एप्लीकेबल रहेंगे. अब हम बढ़ते हैं एडवांस सेक्शन. इसमें एडवांस क्वांटिटेटिव एबिलिटी रहेगी, एडवांस रीजनिंग एबिलिटी रहेगी, फिर एडवांस कोडिंग रहेगी. एडवांस क्वांटिटेटिव एबिलिटी को सॉल्व करने के लिए आपको 20 मिनट्स मिलेंगे. एडवांस रीजनिंग एबिलिटी को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 15 मिनट्स मिलने वाले हैं. फिर एडवांस कोडिंग के क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा 55 मिनट्स मिलेगा. ठीक है, फिर टोटल ड्यूरेशन यहाँ पे रहेगा 166 मिनट का टोटल टेस्ट रहेगा. फिर फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस भी है. अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट है तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, जैसे कि व्हेन इज द लास्ट डेट टू रजिस्टर, व्हेन इज द टेस्ट शेड्यूल, व्हाट इज द इंटीग्रेटेड टेस्ट पैटर्न, डू आई नीड टू क्रिएट माय प्रोफाइल अंडर बीपीएस और आईटी. ठीक है, फिर इसके बाद में टीसीएस एनक्यूटी प्रिपरेशन वाया टीसीएस लॉन्च पे, तो आप ये भी सब पढ़ सकते हैं. तो ये बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है टीसीएस की तरफ से 2023 बैच पास आउट स्टूडेंट के लिए. अगर आप इंटरेस्टेड है और TCS में वर्क करना चाहते हैं तो आप इस अपॉर्चुनिटी में जरूर से अप्लाई कीजिए. ये हमारा YouTube चैनल है प्लेसमेंट वाला, यहाँ पे हम सारी ही नोटिफिकेशंस, जॉब अपडेट्स या जो भी रहता है हम यहाँ पे पुट करते हैं. तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारी जॉब अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिल सके. ये जॉब अपॉर्चुनिटी के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप अप्लाई कर सकेंगे. और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आपकी क्वेरी आप डाल सकते हैं ताकि हम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करेंगे. अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे ट्यून्ड.